Good morning students, how are you all? I hope you all are well. Students, today we will continue our chapter 8. Chapter 8, Neighborhood, Neighborhood. Neighborhood, neighborhood, travel, 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 and safety, safety, safety. Okay, so today we will continue this chapter. हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था, नेबरहुड पढ़ लिए थे कि कौन कौन से नेबरहुड्स होते हैं, प्लेसेस कौन कौन से होते हैं हमारे चारों तरफ. ओके, और ट्रेवल्स पढ़ लिए थे, पीपल हु हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. ओके, वो पढ़ लिए थे हमने. एंड ट्रेवल्स पढ़ लिया था हमने. ओके, थ्री मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, वाटर एंड एयर. और द ट्रैफिक लाइट भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, आज इसे हम फिर से रिपीट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ट्रैफिक लाइट, वाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड. ओके, द ट्रैफिक लाइट, TH द ट्रैफिक, TRAFFIC ट्रैफिक लाइट, LIGHT लाइट. तो आप सबने जो हमारा जो क्रॉसिंग होता है वहाँ पर क्या होती है, ट्रैफिक लाइट होती है ना. तो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहाँ पर, तो आप सब ने ट्रैफिक लाइट देखी है, जो चौराहा होता है, जो क्रॉसिंग होता है ना, जिसके चार रास्ते निकलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ट्रैफिक लाइट होती है. तो उस पर थ्री लाइट्स होती हैं, सबसे ऊपर होती है रेड, येल्लो एंड ग्रीन. ओके, रेड, येल्लो एंड ग्रीन. रेड, येलो एंड ग्रीन. दिस इज ट्रैफिक लाइट. ओके, व्हाइल ट्रेवलिंग ऑन द रोड वी शुड बी वेरी केयरफुल. जब हम रोड पर ट्रैवलिंग करते हैं तब हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, है ना. वी शुड फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स फॉर आवर सेफ्टी ऑन रोड. हमें जो सारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, है ना, या जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उन्हें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, है ना, रोड पर जब हम चलते हैं अपनी सेफ्टी के लिए. रीड वॉट द थ्री लाइट्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट सेज, है ना. ट्रैफिक लाइट में थ्री लाइट्स होती है, हर लाइट का अलग अलग मीन होता है. ओके, तो रेड लाइट, है ना, रेड लाइट का क्या मीन होता है, रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप अवे. ओके, रेड लाइट का मीन क्या होता है, स्टॉप, STOP, स्टॉप. येलो लाइट व्हाट डू यू सी, येलो लाइट व्हाट डू यू सी, आई मीन वेट अंटिल आई टर्न ग्रीन. ओके, येलो लाइट का मीन क्या होता है, वेट, WAIT, वेट. ग्रीन लाइट व्हाट डू यू सी, आई से गो बट बी केयरफुल अलोंग द वे. ग्रीन लाइट का मीन क्या होता है, गो. ग्रीन लाइट का मीन क्या होता है, गो. रेड लाइट स्टॉप, येलो लाइट वेट, ग्रीन लाइट गो, चले जाओ. ठीक है, सो टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एट होम एंड आउटसाइड वी शुड फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स. हमें घर पर और बाहर, है ना, क्या एक्सीडेंट्स नहीं हो, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए
सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। कौन से होते हैं सेफ्टी रूल्स? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। ओके, हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। डू नॉट रन ऑन द रोड, डू नॉट रन ऑन द रोड, आर ओ ए डी, रोड। हमें रोड पर दौड़ना नहीं चाहिए, है ना, भागना नहीं चाहिए। एंड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, और जब हम रोड क्रॉस करते हैं तब हम जेब्रा क्रॉसिंग पर ही हमें रोड क्रॉस कर, आप देखते होंगे रोड पर, है ना, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक ये बनी होती है, इसे क्या कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल बोर्डिंग द बस, जब हम बस का वेट करते हैं तब हमें कहाँ पर, बोर्डिंग के अंदर क्यू में खड़े होना चाहिए, लाइन से खड़े होना चाहिए। स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल बोर्डिंग द बस। ओके, नेवर पुट योर फिंगर इनटू एन इलेक्ट्रिक सॉकेट, जो इलेक्ट्रिक, आप सबके घर में इलेक्ट्रिक बटन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सॉकेट होता है, उसके अंदर कभी भी अपना हाथ, फिंगर्स अंदर नहीं डालने चाहिए, अदरवाइज करंट आ जाता है ना, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। नेवर प्ले विथ अ मैचस्टिक, माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए। बर्न फायर क्रैकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स, और जब आप पटाखे चुराते हैं तो वो अपने, आपके साथ जब आपके बड़े होंगे तो उनके साथ ही आपको पटाखे जलाने हैं। नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स होती है उसमें आपको ऊपर नीचे घूमना नहीं चाहिए, अदरवाइज यू मे स्लिप, फॉल और गेट हर्ट, आप स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे और आपके चोट लग जाएगी। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स और अ ट्रेनर, जब आप स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं स्विमिंग करने के लिए बच्चे, है ना, तो उनको अपने बड़ों के या अपने ट्रेनर के अंडर ही स्विमिंग करनी चाहिए। यूज अ स्विमिंग ट्यूब, और स्विमिंग जो ट्यूब होती है उसका यूज करना चाहिए। एंड डोंट गो इन डीप वाटर, और जो डीप वाटर है बहुत गहरा पानी होता है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए बच्चों को। ओके, एंड नेवर प्ले विद शार्प थिंग्स सच एज ब्लेड, नाइफ और सीजर्स, बच्चों को ब्लेड, नाइफ, चाकू और कैंची के साथ प्ले नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उनका, उनके कट लग सकता है, चोट लग सकती है। नेवर लीव टॉयज ऑन द फ्लोर, टॉयज को फर्श पर नहीं छोड़ना चाहिए, समवन में ट्रिप, फॉल और गेट हर्ट, है ना, कोई भी गिर सकता है, स्लिप हो सकता है, उनकी चोट लग सकती है, तो अपने टॉयज को हमेशा प्ले करने के बाद आपको उनको कलेक्ट करके वापस उनकी जगह पर रखना चाहिए। ओके, सो चिल्ड्रन टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर, आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। सो चिल्ड्रन प्लीज रीड दिस चैप्टर carefully, आपको इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पहले आप पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो टुडे योर वर्क इज रीड दिस चैप्टर, रीड चैप्टर 8, आज हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, अब आप आज इस चैप्टर को पूरा ठीक से पढ़ेंगे। थैंक यू।